वहाँ मुजरा चल रहा था, उस मुजरे को मैंने कनेक्ट किया कि छुप छुप के ज़माने से मैं फिल्म में मेरी आना कि कैसी मोहब्बत है तू कैसा है दीवाना। इस तरह सभी गाने अपना ट्रेडिशनल जो गाने हैं उनमें भी बहुत कोशिश की मैंने उनको जितना नया कर सके, उनको जितना अच्छा कर सके। बाकी आप म्यूजिक सुनेंगे तो आपको अंदाजा होगा क्या। सर क्या कहेंगे इस फिल्म के बारे में? सर फर्स्ट ये कहूँगा कि ये फिल्म जो एफर्ट है हमारे प्रोड्यूसर वेद जी का, इनफैक्ट उनके एफर्ट के लिए आज ये फिल्म हम आज रिलीज कर पा रहे हैं, उनका हार्डवर्क, उनका डेडिकेशन। और आज के ज़माने में एक फ्रीडम एक्ट्रेस पर फिल्म तो बनाता तो नहीं है, बिकॉज हमारे जनरेशन एक्चुअली कहीं घूम चुका है हमारे फिल्म राइटर्स। तो इस जनरेशन के लिए अगर एक ऐसी फिल्म बनी हुई है तो हैट्स ऑफ टू आवर प्रोड्यूसर वेद जी एंड आवर डायरेक्टर तरुण जी एंड द एंटायर टीम दैट हमने इतना हार्ड वर्क करके एक ऐसी फिल्म बनाया हुआ है। एंड आई होप दैट ये फिल्म सब लोग देखेंगे एंड दे विल अप्रिशिएट द हार्ड वर्क एंड द एफर्ट ऑफ ऑल द फ्रीडम फाइटर्स हु हैव फॉट फॉर द फ्रीडम ऑफ इंडिया। इसमें हम आज़ाद जी का रोल निभा रहे हैं आज़ाद। इनफैक्ट ये हमारा मेरे लिए एक बड़ा ड्रीम रोल था, बिकॉज टू प्ले अ फ्रीडम फाइटर इज ऑलवेज अ ड्रीम फॉर एनी एक्टर। एंड आज़ाद जी हु इज वन ऑफ द मोस्ट व्हाट यू कॉल्ड लीडिंग फ्रीडम फाइटर्स ऑफ इंडिया, उनका रोल करना वाज अ ड्रीम फॉर मी। सो आई एम वेरी हैप्पी दैट वेद जी ने हमें चांस दिया एंड आई एम थैंकफुल। इस तरह पहले भी कहीं है? हाँ, हमने इसके पहले क्या डिफरेंट किया, कुछ अलग करने की कोशिश की है कि उस कैरेक्टर? इसके पहले हमने फ्रीडम फाइटर एक फिल्म की थी खेले हम जी जान से आशुतोष गवर कर, तो उनमें भी हमने गणेश घोष का हमने किरदार निभाया था। तो उनके बाद दिस इज़ माई सेकेंड फ्रीडम फाइटर फिल्म। सो मेरे लिए ये बड़ा ही इमोशनल और एक इट्स अ वेरी इमोशनल जर्नी टू प्ले दिस रोल एंड बी अ पार्ट ऑफ दिस फिल्म। तो क्या कुछ चेंज करने की कोशिश की या चंद्रशेखर आज़ाद के लिए कुछ खास? चंद्रशेखर आज़ाद के लिए जो रिसर्च हमने की थी, इनफैक्ट अगर आप देखोगे आज़ाद जी का रियल पिक्चर देखेंगे ना, उनके फोटोग्राफ्स, और अगर आप मेरे जो फोटोग्राफ्स है उसमें हमने मतलब सिमिलैरिटीज बहुत साथ मतलब दे आर वेरी क्लोज। सो इट वॉज अ मतलब जो जो हमने रिसर्च की, जो जो हार्डवर्क लगाया है पिक्चर में, इट हैज़ कम आउट वेरी वेल। थैंक यू सो मच।